इडली सैंडविच बनाने के लिए हम पहले पैन लेंगे, जिसे मैंने बंद गैस पे रखा है, मैंने अभी तक गैस चालू नहीं की है। हम पहले इसमें डालेंगे कांदा जो मैंने बहुत ही बारीकी से काटा हुआ है, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा बारीकी से कटा हुआ है। फिर हम डालेंगे शिमला मिर्च, ये भी देखो बहुत ही ज़्यादा बारीकी से कटा हुआ है। हम पहले नीचे गैस को बंद करके सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेंगे। ये दोनों डालने के बाद हम हमारी चीज़ ग्रेट करके डालेंगे इसमें। हमारी चीज़ भी ग्रेट हो चुकी है, अब इसमें डालेंगे हम एक पिंच काली मिर्ची और बहुत ही कम हम डालेंगे इसमें नमक, क्योंकि चीज़ में बहुत ही ज़्यादा नमक ऑलरेडी होता है। सारे इंग्रेडिएंट्स डल जाने के बाद अब हम हमारा गैस ऑन करेंगे। मैंने गैस चालू कर लिया है, हमें इसे मीडियम फ्लेम पे रखना है, हमें इसे तब तक पकाना है जब तक चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती। ये स्टाइल से अगर आप चीज़ चिली बनाओगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और सेम स्ट्रीट जैसे बनती है, जैसे हम बाहर से लेके खाते हैं सेम वैसे ही बनती है। चीज़ ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुकी है, हम इसे और 1 मिनट पकाएंगे और फिर गैस बंद कर लेंगे। ये चीज़ चिली की सब्जी बनकर तैयार है, अब हम गैस बंद कर लेंगे और इसे उठा लेंगे। अब हम अपने ब्रेड को बटर लगा लेंगे और सैंडविचेस बना लेंगे। बटर लगाने के बाद हम चीज चिली का बैटर इसमें भरेंगे। पहले हमें बीच में पूरा डोम बनाना है, फिर धीरे से उसको साइड में ऐसे स्प्रेड करना है। अब हम इसे बंद कर लेंगे और इसे सेक लेंगे। अब हम इसके चारों साइड ऐसे कट कर लेंगे। अब हम सैंडविच मेकर में इसे टोस्ट करने वाले हैं। पहले हम इसमें बटर अप्लाई करेंगे, इसमें हम डालेंगे सैंडविच, ऊपर से भी हम लगा देंगे बटर और इसे। अब हम दोनों साइड से अच्छे से इसको टोस्ट कर लेंगे। सैंडविच दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से पक गई है, हम इसे निकाल देंगे। ऊपर से थोड़ा बटर लगा के हम इस पे चाट मसाला डालेंगे और इसे पीसेस में कट कर लेंगे। हमारी चीज चिली सैंडविच बिल्कुल स्ट्रीट जैसी तैयार है।